क्या ये पूरा मांग हो जाएगा तो प्रधानमंत्री के समर्थन में आ जाएंगे जो मांग करते हैं? जो विरोधी हैं वो विरोध करते रहेंगे, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनका काम है आरोप लगाना, किसी अच्छे काम का विरोध करना, उंगली उठाना, ये उनका चलता रहेगा। जनता ने दरकिनार कर दिया है, अब कहीं कोई जगह नहीं है, तो उनका एक सूत्री काम है कि कुछ बात अगर अच्छा हो रहा है तो उस पर उंगली उठाएं। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। आज जनसंख्या नियंत्रण है और जनसंख्या नियंत्रण कितना जरूरी है, हमारे साथ बात करने के लिए हैं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू। कैसे देख रहे हैं इसको, जनसंख्या नियंत्रण कितना जरूरी है, क्या कहेंगे? देखिए, आज जनसंख्या नियंत्रण दिवस है और मुझे लगता है कि विश्व जनसंख्या नियंत्रण दिवस है। इसमें विश्व पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा फर्क है। और हिंदुस्तान में आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई है, जनसंख्या विस्फोट हुआ है। और इस जनसंख्या विस्फोट का सबसे बड़ा असर जो है ना, वो बिहार के ऊपर पड़ा है। और बिहार में आप जहाँ भी जाएँ, जिस इलाके में जाएँ, लोग ही लोग हैं। और खास करके आप अररिया किशनगंज की तरफ जाएंगे, जो हम लोगों का भी इलाका पड़ता है, वहाँ तो नर्क की स्थिति है। आप कहीं भी जाएंगे तो वहाँ आदमी से खाली जगह नहीं मिलेगा। आप स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, सड़क पे जाएं, जहाँ जाएं वहाँ पब्लिक ही पब्लिक, लोग ही लोग हैं। जिस तरह से NDA की सरकार, डबल इंजन की सरकार पूरे राज्य और देश में काम कर रही है, फिर भी कहीं ना कहीं लोगों को कमी महसूस होता है। उसका मुख्य कारण है जनसंख्या। जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, जितना तेज़ी से हम लोग विकास का काम नहीं कर पा रहे हैं। विकास का काम हो रहा है, काफ़ी तेज़ी गति से हो रहा है। पहले 2005 में हम लोगों की सरकार बनी बिहार में, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, तब से लगातार विकास का एक स्पीड बना हुआ है, वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पहले सिंगल सड़क हुआ करता था, अभी डबल सड़क बना रहे हैं हम लोग, 4 लेन बना रहे हैं, 6 लेन बना रहे हैं, लेकिन कोई सड़कें खाली नहीं है। इसके अलावे आप कहीं भी अस्पताल में चले जाएं, हम समझते हैं कि हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, प्राइवेट अस्पताल खुल रहे हैं, इसके बावजूद कहीं बेड खाली नहीं है। चाहे IGMS हो, चाहे PMCH हो, चाहे एम्स बिहार का हो, चाहे दिल्ली का हो, कहीं जगह नहीं है। इतना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है तो मुझे लगता है कि कितना भी विकास का काम हो तो विकास के गति से काफ़ी तेज़ गति है जनसंख्या का। इसलिए अगर विकास का फ़ायदा उठाना है, विकास को महसूस करना अच्छे तरीके से, तो जनसंख्या को कंट्रोल करना पड़ेगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना पड़ेगा। जब तक जनसंख्या कंट्रोल नहीं होगा, विकास का कोई मतलब नहीं। मंत्री जी, मुख्यमंत्री लेकिन जातीय जनगणना की बात करते हैं, जनसंख्या नियंत्रण की बात नहीं करते, कहते हैं कि लोग शिक्षित अगर हो जाएंगे तो जनसंख्या नियंत्रण ऑटोमेटिक है कि हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बोले हैं बिल्कुल सही बोले हैं, ऐसा नहीं है कि वो गलत बोले हैं, बिल्कुल सही बोले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि जागरूकता से होता है हर चीज़, कंट्रोल हो सकता है। लेकिन जो स्थिति यहाँ पे है कि बिहार के लोग मानने वाले नहीं हैं, इस देश में बहुत कुछ कानून लाना पड़ा। हम लोग बहुत जागरूकता अभियान चलाए शराबबंदी का, लेकिन लोग नहीं माने तो शराबबंदी कानून लाना पड़ा। उसी तरह मुझे लगता है कि इसमें भी लोग मानने वाले नहीं हैं, कहीं ना कहीं धर्म का हवाला देके, कुछ और हवाला देके इसको लोग बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से इसको कंट्रोल करने के लिए कानून लाना पड़ेगा, ये मेरा मानना है, और कानून लाना चाहिए, तभी जाके ये कंट्रोल होगा और तभी पूरे विकास का लोगों को फायदा मिलेगा। यानी कि जातीय जनगणना से ज़्यादा जरूरी है जनसंख्या नियंत्रण कानून। जातीय जनगणना तो घोषणा हो गया, वो तो अपना काम शुरू हो गया, उसमें कोई जरूरी वाली बात नहीं, वो तो काम शुरू हो गया। ये अब उसके बाद की बात है, जो अभी क्या जरूरत है, अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना अति आवश्यक है। अगर हम सुकून की ज़िंदगी चाहते हैं, इस राज्य और देश में शांति के साथ रहना चाहते हैं, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना पड़ेगा, फिर आदमी सुकून की ज़िंदगी जी पाएगा आने वाले 10-20 साल में। नहीं तो जो स्थिति है कि आने वाले 10 साल के बाद लोग देश छोड़ कर भागना चाहेंगे, जो सक्षम लोग रहेंगे वो चाहेंगे किसी और कंट्री में जाके शिफ्ट हो जाए, यहाँ रहने की स्थिति नहीं रहेगी, ये देश पूरा नर्क हो जाएगा। निश्चित तौर पे कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार पटना आ रहे हैं, बिहार विधानसभा के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, लेकिन विपक्षों का भी कुछ दावा है और मांग है कि अगर इन सब चीज़ों को अगर प्रधानमंत्री पूरा कर देंगे तो शायद, पहला मांग है विशेष राज्य का दर्जा, जातीय जनगणना, बेरोजगारों को रोजगार। क्या ये पूरा मांग हो जाएगा तो प्रधानमंत्री के समर्थन में आ जाएंगे जो मांग करते हैं? जो विरोधी हैं वो विरोध करते रहेंगे, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है,
उनका काम है आरोप लगाना, किसी अच्छे काम का विरोध करना, उंगली उठाना, ये उनका चलता रहेगा। जनता ने दरकिनार कर दिया है, अब कहीं कोई जगह नहीं है, तो उनका एक सूत्री काम है कि कुछ बात अगर अच्छा हो रहा है तो उस पर उंगली उठाएं, कोई आरोप लगाएं, ये काम इनका चलता रहेगा। जनता से ये दूर रहते हैं, जनता से इनको मतलब नहीं है, इनको सरकार से मतलब है। किसी तरह इनके इन प्रकार सरकार में घुसना चाहते हैं, जो इनका मनसा कभी पूरा नहीं होने वाला है, आरोप लगाते रह जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनके स्वागत में पूरा राज्य खड़ा रहेगा, पूरी सरकार खड़ी है, और हर तरह के विकास के काम पर उनका विशेष फोकस है और बिहार पर उनका विशेष ध्यान है। इसलिए बिहार पूरे तेजी से विकास का काम हो रहा है बिहार में, और कहीं कोई कमी मुझे नहीं लग रहा है। जो भी कमी होगी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी देखते हैं और वो काम होगा बिहार में। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल है कि ट्रांसपोर्टिंग को लेकर के कुछ अभी विवाद छिड़ा हुआ है, उसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, ये सरकार लेवल का मामला है, माननीय मुख्यमंत्री जी देखेंगे, बाकी हमारे डिप्टी सीएम साहब है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, लोग इसको देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू, जिन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना बेहद जरूरी है, ऐसे में विकास में बाधा पहुंच रहा है। और अगर जागरूकता की बात हुई तो जागरूकता तो अपने स्तर से हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना बहुत जरूरी है। इसका बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।